सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। प्रतिबंधित नक्सली जेजेएमपी के नाम पर दहशत फैला लेवी वसूलने वाले गैंग को पलामू पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस कप्तान इंद्रजीत महथा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अभियान एसपी व एसडीपीओ के संयुक्त नेतृत्व वाली टीम ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के भैरोपुर गांव में एकांत स्थल पर अपराध की योजना बना रहे गिरोह के सदस्यों को घेर लिया। पुलिस को देख अपराधी भागने की कोशिश किए। तीन अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा, जबकि पांच अपराधी अंधेरे और झाड़ी का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए अपराधी राजगृह पासवान दिनेश विश्वकर्मा और अजय पासवान के पास से 3.15 बोर का एक राइफल, 8 जिंदा गोली, 3.15 बोर का 3 देसी पिस्तौल समेत 7 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पकड़े गए गिरोह के सदस्य ठेकेदार से लेवी वसूलने और ईंट भट्ठा संचालकों से रंगदारी वसूलने का काम करते थे। कल पलामू पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी, इसी के आधार पर एडिशनल एसपी अरुण जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ और रास बिहारी लाल जो पुलिस निरीक्षक हुसैनाबाद हैं वो भी साथ में थे। तीन अपराध कर्मियों को 4 हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये अपराध कर्मी जिसमें राजगृह उर्फ कामता पासवान, अजय पासवान और दिनेश विश्वकर्मा, इनको जो है लोडेड पिस्तल के साथ गिरफ्तार किया गया। 3 देसी पिस्तल, 1 जो है .315 बोर का राइफल और 8 जिंदा गोली और 7 मोबाइल के साथ इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले लगातार कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि राजगिरी उर्फ कामता पासवान के नेतृत्व में 8-10 लोग जो है अपराध कर्मी उस क्षेत्र के ईंट भट्ठा मालिकों से लेवी की मांग कर रहे हैं और जेजेएमपी के नाम से धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा जो नहर के निर्माण का कार्य चल रहा है उसमें भी जो है लगातार धमकी का काम देने का काम कर रहे थे। इन लोगों का कार्य क्षेत्र नवीनगर, हुसैनाबाद और आसपास का क्षेत्र रहा है, यानी ये जो है एक तरह से इंटर स्टेट गैंग रहा है। ये लोग जो है रॉकेट पासवान जो कि अभी सोनभद्र में जो वहाँ पर अरेस्ट हुआ था उन लोगों से भी इन लोगों का एसोसिएशन रहा है। अभी अप्रैल 2018 में जब रविंदर सिंह की डूमर हत्था गाँव में हत्या हुई थी उसमें भी कामता पासवान उर्फ राजगिरी पासवान जो है मुख्य अभियुक्त के रूप में रहा है। तो इस तरह से उस मामले में भी हम लोग को उपलब्धि मिली है।